बिल्कुल है भाई, हरेंद्र चौधरी भारी मतलब जीत रही है आज एक तरफ। किकर कहीं केड़ो कहीं आड़ माहौल है चुनाव में? बहुत बढ़िया माहौल है क्योंकि हरेंद्र चौधरी एक ग्रामीण से बिलोंग करता है, 5-6 सालों से मतलब लड़कियों के और चुपाइयों के सब के काम और हमेशा गांव का वर्कर गांव के बच्चों के परेशानी एडमिशन में वर्क में तो गांव के लोग सारे लड़के एक तरफ कर रहे हैं। हमको बहुत जोश है कि किसान का बेटा जीते, हमको बहुत बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। एक वर्कर है, धरातल पे काम करने वाला लड़का है, दूसरी लड़की काम को देखते हुए सभी एक तरफ किसान को उसके साथ है। हरेंद्र चौधरी जीतेगा। एमपी बैठो था, एक कौन अगला किसान आगे है माता जी कहीं करो? नहीं नहीं, ये वर्कर है, होंगे किसान। अच्छा, ये जो अभी सामने वाला है वो पैराशूटर है, बड़े बड़े बंगले में जाके सो जाएंगे, 24 घंटे काम करेगा। हरेंद्र चौधरी को ये तक पता है कि कौन सा बंदा कौन सी बेंच पे बैठता है, ये हरेंद्र चौधरी जानते हैं। गांव रावर तहसील बिलाड़ जिला जोधपुर, LLB सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। अच्छा। मैंने भी बहुत वोट दिया, बहुत उत्साह। तो आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 44। 44 उम्र है, तो कितना उम्र तक आटे यूनिवर्सिटी में वोट पड़े? काफी टाइम वोट पड़ गया, मैं काफी टाइम देख रही हूँ, लेकिन अब की बार जो वोट पड़िया इतनी खुशी को माहौल हो लड़का मैं गाँव में कोई जाने ब्याह आयो है, मतलब दीपावली आई इन तरफ लोग बहुत जजमेंट वोट दे आया, इतनी खुशी में वोट दे आया और हर जनता में और इतो शांति प्रिय माहौल रही हो, कोई प्रकार को गाड़ी के शीशा तक नहीं फूटा, न कि उनका पर्दा टूटा, नहीं ना हमेशा पहला पर्दा तोड़ देता शीशा तोड़ देता बदमाशियां होती। अब की बार बहुत ही तीनों कैंडिडेट बहुत अच्छे हैं। आप लोग भी वोट पड़ी और आपकी काफी उम्र भी है, तो आपने कहीं लाग रही हो इन बार यूनिवर्सिटी मैंने जो को जीत रो श्रेय है कि तरफ आ सके? अब की बार बाकी तो पेटियां मैंने बंद है, अब की बार पेटियां में भाग्य तीनों कैंडिडेटों का बंद है, लेकिन इतिहास नहीं रो चला, बहुत अच्छा कैंडिडेट आवाला लड़कों की उम्मीद है। ऐसा करो वोट दे रहा है कि बहुत चुकी हो सके। अब की बार रिजल्ट तो कल आएगा, मैं कैसे बता सकता, लेकिन बहुत अच्छा कैंडिडेट आएगा। तो अभी बहुत अच्छे कैंडिडेट, कुछ तो आंकलन होगा कि आप मतदाता हैं। वो सुबह आ जाएगा। अच्छा, सुबह आ जाएगा। और आप ये लाइव इसमें मतलब मैक्सिमम कितनी उम्र तक का छात्र बन के और वोट दे सकता है? इसमें जो रेगुलर स्टूडेंट होते हैं वो इसमें फिलहाल कोई उम्र नहीं है, कोई एज कोई क्राइटेरिया नहीं है, फिलहाल एज क्राइटेरिया नहीं है, रेगुलर स्टूडेंट होना चाहिए, रेगुलर स्टूडेंट होना चाहिए वो इलेक्शन में वो मतदान कर सकता है। आप इस उम्र में एक छात्र के रूप में वोट करके मैं किस प्रकार का बहुत खुश हूँ, इस उम्र के अंदर मैं छात्र के रूप में मतदान किया और बहुत ही खुशी का माहौल मिला मेरे को और बहुत ही अच्छा लगा, मेरे को बचपन याद आ गया। कहीं ऐसा तो नहीं बाप बेटा दोनों छात्र बन के वोट दे रहे हो? नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है, बच्चा दोनों मतलब वोटिंग जी मैं बाप बेटा दोनों वोट देंगे, वोटिंग कर देंगे। तो आप बताओ कि स्टूडेंट हो समर्थक हो? समर्थक हो। अच्छा, किस जगह आया? मोगड़ा विधानसभा लुणी। अच्छा, लुणी आया। हाँ सर, किरे समर्थन में आया? जिंदाबाद।